Hello friends, in this lecture we will discuss about the stepper motor. So friends, there are some motors which work on both DC and AC supply. So those motors are like universal motors, single phase AC series motor and stepper motors. These motors are categorized under the AC commutator motors. So today universal motor we have already discussed. So in this lecture we will discuss for the stepper motor. So friends, a stepper motor is categorized into various types. You will see later, stepper motor ko bhi teen type mein divide kiya gaya. Pahla kya hai, variable reluctance stepper motor. Phir second kya hai, second hai hamara परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, तीसरा है हमारा हाइब्रिड स्टेपर मोटर. सो पहले हम वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर देखेंगे. तो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में भी जो है, स्टेपर मोटर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप. तो पहला वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर हम डिस्कस करेंगे. तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाफ फुल स्टेप एंड हाफ स्टेप. इन फुल स्टेप क्या होता है, ऑल मोटर वाइंडिंग्स आर एनर्जाइज साइमल्टेनियसली. इसका मतलब यह है कि जितने फेज की वाइंडिंग होगी तीन होगी, चार होगी, चार फेज को, सब फेज को एक एक करके एनर्जाइज कीजिएगा. एक वाइंडिंग को आप एक फेज की वाइंडिंग को एनर्जाइज किए, फिर बाद में क्या करेंगे, उसको स्विच ऑफ करके उसके एडजेसेंट वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे. फिर इसी तरह उसको ऑन ऑफ करके फिर अगली वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे. तो इससे क्या होगा, मोटर रोटेट करेगा, स्टेप एंगल आपको मिलेगा. हाफ स्टेप मोड में क्या है, वाइंडिंग्स आर एनर्जाइज सो दैट विद इन अ थ्री स्टेप सीक्वेंस ओनली वन वाइंडिंग इज एनर्जाइज इन द सेकेंड स्टेप. फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जब आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर पहला टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर किस प्रिंसिपल पे है, मिनिमम रिलक्टेंस. मतलब कि क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा, वो किस पाथ को प्रीफर करेगा पास होने के लिए, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, मतलब मिनिमम एयर गैप प्रेजेंट हो जहाँ पे. तो ये इसका प्रिंसिपल है. इट मीन्स रोटर ऑलवेज सीक्स टू रीओरिएंटेड इटसेल्फ टू अ स्टेबल पोजीशन बाय फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ. तो रोटर की पोजीशन ऐसे, मतलब ऐसे ओरिएंट होगी, ऐसे मतलब रोटेट, ऐसे मतलब वहाँ पर क्या कहते हैं, उस प्लेस पे मतलब जाके रुक जाएगी जहाँ पर हमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो है मैग्नेटिक पाथ, वो जो है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब मिनिमम एयर गैप मैग्नेटिक पाथ के लिए प्रोवाइड हुए. डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा. वेरिएबल रिलक्टेंस का प्रिंसिपल क्या है, मिनिमम रिलक्टेंस, मतलब कि मिनिमम एयर गैप प्रेजेंट हो एंड इट फाइंड द शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ एंड स्मॉलेस्ट एयर गैप. सो फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर हम कुछ डिफिनीशन समझ लेते हैं, अभी आपको नहीं प्रॉब्लम होगी. स्टेप एंगल क्या है, द एंगुलर मोमेंट कॉज्ड बाय शाफ्ट व्हेन सिंगल इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाइड टू मोटर. द एंगुलर मोमेंट कॉज, जब आप जो है सिंगल फेज में सप्लाई देंगे तो रोटर क्या है, कुछ मूव करेगा, कितना भी एंगल हो सकता है, 15 डिग्री या 7.5 डिग्री. 15 डिग्री हम जो है फुल स्टेप में कंसीडर करते हैं, 7.5 डिग्री हाफ स्टेप में. तो वही है कि एंगुलर मोमेंट, जब एक फेज को आप एनर्जाइज करेंगे तो रोटर 15 डिग्री से मूव कर रहा है, तो वही स्टेप एंगल होता है. तो द एंगुलर मोमेंट कॉज बाय शाफ्ट व्हेन सिंगल इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई टू मोटर. द नंबर ऑफ रोटर NR एंड स्टेटर टीथ NS ऑफ VR स्टेपर मोटर विथ P फेजेज इन अ सिंगल स्टेटर. When NS greater than NR related, NS is equal to NR plus minus NS/P. NS/P का मतलब number of stator teeth per phase. So ये diagram देखिए, इसमें जो है stator teeth कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
रोटर की 1 2 3 4 5 6 रोटर टीथ 6 हैं, तो आप स्टेटर टीथ पर फेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। एन एस इज इक्वल टू एन आर प्लस माइनस एन एस ऑब्लिक पी, तो एन एस इज इक्वल टू एन आर प्लस एन एस ऑब्लिक पी। एन एस एन आर की वैल्यू ले लीजिए, तो एन एस ऑब्लिक पी इज इक्वल टू 2, मतलब कि नंबर ऑफ स्टेटर टीथ पर फेज इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, देखिए एक फेज वाइंडिंग में कितने स्टेटर टीथ को इन्वॉल्व किया गया है, 2। ए ए डैश ये पहला फेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, सी सी डैश फेज 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी बी डैश, तो 2 स्टेटर टीथ आ रहे हैं ना, तो ये नंबर ऑफ स्टेटर टीथ पर फेज 2 हुआ। रोटर एंड स्टेटर पिच एंगल थीटा आर एंड थीटा एस, इसको कैसे, जितने जैसे कि हमारा जो है स्टेटर टीथ 8 है, तो थीटा आर कैसे निकालेंगे, रोटर पिच एंगल 360 डिवाइडेड बाई एन आर कर दें, और स्टेटर टीथ अगर कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ स्टेटर टीथ है उससे डिवाइड कर दें, तो निकल आएगा स्टेटर पिच एंगल। तो स्टेटर पिच एंगल यहाँ पर क्या होगा, 60 डिग्री, थीटा थीटा ये 45 डिग्री यहाँ पर है, ये स्टेटर पिच एंगल है, और हमारा जो है रोटर पिच एंगल क्या है, थीटा आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। डायग्राम में देखिए थीटा दो दो जो है एडजेसेंट रोटर पोल्स के बीच, रोटर टीथ के बीच थीटा आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये देखिए दो एडजेसेंट स्टेटर टीथ के बीच 45 डिग्री। तो इस तरह नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवोल्यूशन, मतलब कि एक रिवोल्यूशन में कितने स्टेप, मतलब कि कैसे स्टेप का मतलब क्या है, आप जैसे एक फेज को एनर्जाइज किए तो रोटर कुछ एंगल मूव किया, मान लीजिए फेज 1 को एनर्जाइज किए तो रोटर नहीं मूव किया कुछ, इनिशियली स्टार्टिंग यहाँ से किए, क्योंकि देखिए रोटर का टीथ जो है 1 और 4 को देखिए एकदम स्ट्रेट है फेज 1 के, तो क्या है ये क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होगा वो शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ फाइंड कर लेगा, A14A-। लेकिन आप जैसे ही इस सप्लाई को ऑफ करके बी बी डैश में स्विच कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 और 5 जो है स्ट्रेट नहीं है, देखिए इनका पाथ जो बिल्कुल रोटर का जो टीथ है 2 और 5 वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बी एंड बी डैश के, स्टेट बी एंड बी डैश स्टेटर टीथ के, तो क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ क्या है, हम क्या पढ़े थे वेरिएबल रिलेक्टेंस का प्रिंसिपल, जो शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ फाइंड करता है, तो शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ कब फाइंड करेगा, जब जो है ये जो है 2 और 5 इसके एकदम सामने आ जाए, तो कैसे आ सकता है, ये जो है उतना रोटेट एक स्टेप रोटेट कर जाएगा, कितना एंगल होता है एक स्टेप, 15 डिग्री, यहाँ पर देखे दिया है, तो 15 डिग्री से ये हल्का सा रोटेट कर जाएगा और बी बी डैश के बिल्कुल सामने आ जाएगा, तो ये एक स्टेप हो गया। फिर जैसे सी एंड सी बी एंड बी डैश को ऑफ करके आप सी और सी डैश को एनर्जाइज करेंगे इस डायग्राम में, तो सी एंड सी डैश को एनर्जाइज करेंगे तो शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो है 3 और 6 है, 3 और 6 को थ्री एंड सिक्स को एकदम स्ट्रेट, मतलब कि बिल्कुल सी थ्री सिक्स और सी डैश 3 और 6 यहाँ पर रोटर टीथ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट में आ जाने चाहिए। अब ये स्ट्रेट में कैसे आएंगे, स्ट्रेट में आने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है रोटर को मूव करना पड़ेगा, कितना 15 डिग्री से मूव कर जाएगा, तब जाके जो शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ जो पास होगा सी थ्री सिक्स और सी डैश से पास होगा। तो इस तरह हर एक वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे सेपरेटली तो कुछ एंगल मूव करता जाएगा, 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री, तो एक मतलब कि कितने स्टेप चाहिए, 24 स्टेप जब ये कंप्लीट कर लेगा, यानी इस तरह एक 24 स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके एक रिवोल्यूशन कहीं कंप्लीट होगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवोल्यूशन, तो एस इज इक्वल टू एन एस ऑब्लिक पी, जितने नंबर ऑफ स्टेटर टीथ हैं और जितने फेज हैं, फेज हमारे 4 हैं, स्टेटर टीथ 8,
हेलो फ्रेंड्स, सॉरी इस फॉर्मूला यहाँ पर गलत लिख गया है थोड़ा। नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन जो है एस इज इक्वल टू एन आर पी होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, एन एस पी की जगह एन आर कर लीजिएगा। एन आर पी, एन आर क्या है? नंबर ऑफ स्टेटर टीथ पर फेज। तो एन आर हमारा 6 है और पी हमारा 4 है, तो एस की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। स्टेप एंगल 15 हम बार बार अभी यूज कर रहे थे, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एस। तो आप एस की वैल्यू 24 है, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं, ये था बेसिक थोड़ा, अब डिस्कस करते हैं फुल स्टेप स्टेपर मोटर और हाफ स्टेप स्टेपर मोटर। तो देखिए यहाँ पर कितने फेज हैं, ए बी सी डी और फिर ए, मतलब ए डैश एक फेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी बी डैश एक फेज, सी सी डैश एक फेज, डी डी डैश एक फेज, ए डैश वो एक फेज। ये नंबर ऑफ रोटर टीथ पर फेज 6 है, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ 8 है, नंबर ऑफ फेज 4 है। रोटर पिच एंगल आप 360 डिवाइडेड बाई थीटा, वो सॉरी एन आर करेंगे, एन आर क्या है? 6, तो 60 डिग्री। स्टेटर पिच एंगल निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, 45 आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवोल्यूशन के लिए एन आर इंटू पी, नंबर ऑफ रोटर टीथ पर फेज इंटू नंबर ऑफ फेजेस। स्टेप एंगल के लिए 360 डिवाइडेड बाई एस, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ पर फेज आप फॉर्मूला बताए थे। सो फ्रेंड्स फुल स्टेप डिस्कस करते हैं। फुल स्टेप के लिए क्या करते हैं, ए डैश को फेज वन को एनर्जाइज करते हैं इनिशियली। फ्रेंड्स इससे पहले आप एक बार जो है उसका प्रिंसिपल वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का एक बार प्रिंसिपल आप देख लीजिए। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर जो है टोटली इसका प्रिंसिपल जो है बेस है मिनिमम रिलक्टेंस पे, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स वो पाथ प्रीफर करेगा जिसमें एयर गैप कम आए। एयर गैप का इंट्रोडक्शन मतलब एयर गैप वहाँ पर कम प्रेजेंट हो, ज़्यादातर जिसे जहाँ पर मैग्नेटिक पाथ मिलेगा उसी पाथ को वो प्रीफर करेगा जो शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ है। तो शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ प्रीफर करने के लिए रोटर जो है रोटेट करेगा इस कैटेगरी में 15 डिग्री से, एक स्टेप दो स्टेप जो भी है। सो इस प्रिंसिपल मिनिमम रिलक्टेंस पाथ जो है प्रिंसिपल वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं, पहले ए डैश को आप जो है एनर्जाइज किए हैं, फेज वन को एनर्जाइज किए तो क्या होगा, हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ किस पाथ को प्रीफर करेगा, ए वन फोर ए डैश। तो इस केस में क्या है, हमारा जो है रोटर की जो टीथ हैं 1-4 वो जो है एकदम स्ट्रेट हैं, लीनियर टू हैं, लीनियर टू स्टेटर टीथ हैं, ए और ए डैश के बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनिशियली नहीं रोटेट किया हमारा जो है रोटर एक भी। अब जो है आप जो है क्या करेंगे, फर्स्ट एनर्जाइज ए डैश फेज वन मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ पास थ्रू ए वन फोर ए डैश। अब क्या करेंगे, स्विच करेंट फ्रॉम ए डैश टू बी बी डैश, मतलब ए डैश को डी एनर्जाइज करके बी बी डैश में स्विच कर जाएंगे। तो आप बी बी डैश फेज को जब एनर्जाइज करेंगे, फेज ये फोर है, इसको जब एनर्जाइज करेंगे तो आप क्या होगा, शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ इसमें क्या हो सकता है, 2-5 बी 2-5 बी डैश। लेकिन आप जो है इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिए तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ड्रा हो रही। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ नहीं है। शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ के लिए 2 और 5 को बिल्कुल स्ट्रेट आना पड़ेगा स्टेटर टीथ के सामने। तो उसके लिए ये जो है रोटेट करेगा कितना, एंटी क्लॉक वाइज थोड़ा सा रोटेट करेगा, कितना, 15 डिग्री से। तो 15 डिग्री से जब रोटेट करेगा तब जो है शॉर्टेस्ट मैग्नेटिक पाथ मिल जाएगा फ्लक्स को। तो स्विच करंट फ्रॉम ए डैश टू बी बी डैश वी गेट फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का मतलब है कि रोटर जो है 15 डिग्री से मूव कर जाएगा जिसकी वजह से 2 और 5 जो है बी बी डैश के सामने आ जाएगा। सो रोटर केम स्ट्रेट टू बी बी डैश बाई शिफ्टिंग 15 डिग्री, हेंस फ्लक्स पास थ्रू बी 2-5 बी डैश। सिमिलरली अब यही सेम स्टेप आपको फॉलो करने जाना है, बी बी डैश को आप डी एनर्जाइज करके सी सी डैश को करिए। सी सी डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 6 को सामने आना पड़ेगा, 3 और 6 रोटर टीथ सामने आने के लिए उसे जो है 15 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। फिर आप डी डी डैश में स्विच कर जाइए, फिर 15 डिग्री रोटर मूव करेगा, फिर ए डैश में,
फिर बी बी डैश में, इस तरह आप करते करते जब आप 24 स्टेप मूव करा लेंगे रोटर को, तब आप एक रिवोल्यूशन रोटर का कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था फुल स्टेप। सिमिलरली आपको हाफ स्टेप भी, हाफ स्टेप भी जो ये फुल स्टेप है उसमें हाफ स्टेप भी होता है, बस उसमें सीक्वेंस चेंज होता है। पहले ए डैश को उसमें एनर्जाइज करते हैं, ए डैश के बाद जैसे भी हम बी और वो सॉरी सी डैश और डी डैश, मतलब कि पहले एक फेज को एनर्जाइज किए, फिर उसमें साइमल्टेनियसली दो फेज को एनर्जाइज कर देते हैं, सी डैश और डी डैश को एक साथ। इससे वजह से क्या होता है, हमें नेट मैग्नेटिक पाथ, जो आप सी डैश और डी डैश को एक साथ एनर्जाइज करेंगे तो क्या होगा, सिक्स जो है डी डैश की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, सी डैश की भी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नेट क्या हो जाएगा, सिक्स जो है इन दोनों के बीच में, सिक्स और थ्री जो है इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना एंगल मूव करेगा, इन दोनों के बीच में शिफ्ट होगा, उसमें 7.5 डिग्री से मूव करेगा, इसमें 15 डिग्री मूव करता है। सो इतना डिफरेंस है। फिर ए ए डैश को आप एनर्जाइज किए, फिर डी डैश सी डैश फेज को एनर्जाइज किए, फिर उसके बाद केवल एक फेज बी डैश, मतलब कि इसमें अल्टरनेट चलता है, पहले एक फेज को एनर्जाइज करते हैं, फिर साइमल्टेनियसली दो फेज एनर्जाइज करते हैं, फिर एक फेज को एनर्जाइज करते हैं, फिर साइमल्टेनियसली दो फेज को एनर्जाइज करते हैं, फिर एक फेज को एनर्जाइज करते हैं। और इसमें जो है स्टेप एंगल कितना मिलता है, 7.5 डिग्री। रोटर जो है 7.5 डिग्री से हर एक स्टेप में मूव करता है, फुल स्टेप में क्या है 15 डिग्री से मूव कर रहा है। ये इसकी थ्योरी है। फ्रेंड्स, परमानेंट मैग्नेट स्टेप मोटर आपको डिटेल नहीं समझाएंगे, क्योंकि इसका जो है वर्किंग जो है बिल्कुल फुल स्टेप वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की तरह है। बस इसमें है क्या, आपको जो है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, जो रोटर जो होता है इसका क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर के, इसमें इसमें यह होता है कि ये जो है परमानेंट मैग्नेट से बना होता है, इसीलिए इस मोटर को क्या कहा गया, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। अब उसमें जो है अगर परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी लगा हुआ है रोटर में, तो क्या होगा, वो अपना फ्लक्स खुद प्रोड्यूस करेगा। खुद प्रोड्यूस करेगा तो जो है रोटर में नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे। और जो है हमारा जो है फिर स्टेटर वाइंडिंग रहती ही रहती है, तो जितने फेज होंगे उस प्रकार हमें नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाएंगे। सो अब आप ये चार डायग्राम दिए गए हैं, चार डायग्राम में आपको जो है ये परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर समझाया गया है। पहले में क्या है, देखिए पहले जो है आप मान लीजिए स्विच वन स्टार्ट किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप जो है फेज को जो ए जो है ए बी सी डी, इसमें चार फेज दिखाए गए हैं, मतलब कि चार फेज हैं, तो आप जो है पहले ए और ए फेज को एनर्जाइज किए, जब ए फेज को एनर्जाइज किए, सिमिलर टू फुल वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर इसका वर्किंग है, आप इसमें क्या करेंगे, पहले ए फेज को एनर्जाइज करेंगे, तो मान लीजिए नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया, तो नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया तो क्या होगा, जो ये रोटर में साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट हुए हैं, तो साउथ पोल जो है बिल्कुल जो है स्ट्रेट जो है, नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो रोटर का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह है। अब आप मान लीजिए दूसरी बार अब जो है ए को डी एनर्जाइज करके आप जो है बी बी फेज को एनर्जाइज करते हैं, तो बी फेज को एनर्जाइज करेंगे, तो अब जो है रोटर जो है मूव करके इसका जो साउथ पोल होगा वो बी बी पोल के सामने आ जाएगा, नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली आप जो है जब सी फेज को एनर्जाइज करेंगे, सी फेज को एनर्जाइज करेंगे तो नॉर्थ पोल इसमें क्रिएट हुआ, तो रोटर का साउथ पोल इससे अट्रैक्ट करेगा, तो रोटेट करके इसके सामने आ जाएगा, इस तरह रोटर मूव करेगा। ये परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का वर्किंग है, सेम बिल्कुल फुल स्टेप वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की तरह है, बस इसमें परमानेंट मैग्नेट रोटर जो है परमानेंट मैग्नेट से बना होता है, तो वो अपना फ्लक्स खुद
क्रिएट कर लेता है, नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट कर लेता है। और वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर के केस में क्या होता है, रोटर जो है मैग्नेटाइज नहीं होता, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। सो अब हाइब्रिड स्टेपर मोटर की बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर क्या करता है, ये जो है दोनों का फ्यूचर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर और परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का, इसमें दोनों फ्यूचर प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर पे मान लीजिए आप स्टेटर पोल्स आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, वो रोटर जो है परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ है। देखिए इसमें रोटर टीथ जो है दिखाए गए हैं, रोटर टीथ छोटे छोटे नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस तरह इसमें क्रिएट हुए हैं, नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ साउथ पोल इस तरह रोटर टीथ में क्रिएट हुए हैं। बीच में एक मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट रख दिया गया है तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह क्रिएट हो गया है। अब देखिए ये जो है हमारे स्टेटर पोल्स हैं, कितने हैं स्टेटर पोल्स 8 और रोटर टीथ हैं। तो इन हाइब्रिड मोटर्स रोटर फ्लक्स इज प्रोड्यूस बाय द परमानेंट मैग्नेट, मतलब कि रोटर जो है यहाँ पर जो रोटर बना होता है उसमें जो है क्या कहते हैं परमानेंट मैग्नेट से बना होता है। मान लीजिए कि रोटर के बीच में आपने परमानेंट मैग्नेट प्लेस कर दिया तो क्या करेगा, वो जो है फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, रोटर फ्लक्स परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा। और जो है रोटर टीथ में क्या आ जाएगा, रोटर टीथ में नॉर्थ साउथ पोल इस तरह क्रिएट हो जाएंगे। इन हाइब्रिड मोटर्स रोटर फ्लक्स इज प्रोड्यूस बाय परमानेंट मैग्नेट एंड इज डायरेक्टेड बाय रोटर टीथ टू अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ एयर गैप, मतलब कि क्या कहते हैं ये जो इसका रोटेशन होगा, ये नॉर्थ पोल रोटर टीथ के नॉर्थ साउथ पोल और स्टेटर पोल्स के नॉर्थ साउथ पोल के अट्रैक्शन की वजह से होगा। जिस तरह परमानेंट मैग्नेट में नहीं मूव कर रहा था, नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट होकर मूव कर रहे थे। इसमें वेरियस नंबर ऑफ रोटर टीथ दिखाए गए हैं, तो इनका अट्रैक्शन जैसे जैसे स्टेटर पोल्स में जिस अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे उसके हिसाब से मूव करेगा। तो मान लेते हैं 1 3 5 और 7 को एक फेज मानते हैं, इन चारों पोल को आपस में एक वाइंडिंग से कनेक्ट करके एक फेज बनाते हैं और 2 4 6 8 को एक फेज बनाते हैं। तो जब आप फेज एक एनर्जाइज करेंगे तो क्या होगा, एक हमारा नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होंगे। तो मान लीजिए 1 एंड 5 स्टेटर पोल्स हमारा जो है साउथ पोल बन रहा है और 3 और 7 हमारा जो है नॉर्थ पोल बन रहा है। तो 1 और 5 के सामने जो होंगे क्या करेगा, वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अब 1 और 5 हमारे यहाँ पर क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। तो नॉर्थ किससे अट्रैक्ट होगा, रोटर के साउथ पोल से। तो साउथ पोल से अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, रोटर टीथ के साउथ पोल से अट्रैक्ट करने के लिए रोटर जो है मूव करेगा कुछ। और इसी तरह हमारा जो है स्टेटर जो है वन भी हमारा नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा। साउथ पोल से अट्रैक्ट करने के लिए ये रोटर टीथ जो है उसके सामने आएंगे साउथ पोल। इसी तरह 3 और 7 हमारा क्या है, हमारा जो है साउथ पोल है, तो ये जो है नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट करेगा रोटर टीथ के। तो इस तरह ये मूव करेगा, ये रोटर टीथ विद नॉर्थ एंड साउथ पोलरिटी अलाइन विद टीथ ऑफ स्टेटर पोल्स 1 5 3 एंड 7। जब फेज ए को आप डी एनर्जाइज कर देंगे तो टॉर्क इसी तरह आप फेज ए को डी एनर्जाइज करके बी को एनर्जाइज कर देंगे। तो इसका वर्किंग बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की तरह है, क्योंकि उसमें आपने क्या देखा था कि आप जो है मान लीजिए ए हमारा नॉर्थ पोल है, तो जो रोटर में जो है साउथ और नॉर्थ पोल इसमें क्रिएट हो गया। इसमें सिंगल दिखाया गया, उसमें कई जो है रोटर टीथ आपने बहुत सारे देखे हैं, नॉर्थ पोल कई सारे हैं, तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ इस तरह है। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल इसमें क्रिएट हुआ ए फेज को जब नाजायज किए, तो रोटर जो है अपने ओरिएंटेशन को इस तरह करेगा कि साउथ पोल उसके सामने आ जाए, तो उसके लिए वो रोटेट किया। जब बी को किए हैं तो बी के लिए बी में नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ, तो रोटर जो है कुछ रोटेट होकर साउथ पोल, जो रोटर का साउथ पोल है वो उसके सामने आ गया है। इसी प्रकार इसमें देखें नॉर्थ पोल साउथ पोल रोटर टीथ में बहुत सारे हैं। अब आप मान लीजिए 1 हमारा 1
357 को लेके आप जो है एक फेज बना रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, तो मान लीजिए वन और फेज जो हमारा जो है नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा, तो इसी तरह रोटर जो है मूव करेगा, साउथ पोल उसके सामने आएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा, तो इस अकॉर्डिंग ये मूव करेगा अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो वही यहाँ पर रोटर टीथ विद नॉर्थ एंड साउथ पोलरिटी अलाइन विद टीथ ऑफ स्टेटर पोल्स 1, 3, 5 और 7। सिमिलरली जब आप ए को डी एनर्जाइज करेंगे, बी फेज को एनर्जाइज करेंगे, तो उसके लिए उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा, तो उसमें भी मूव करेगा। हेंस टॉर्क इन हाइब्रिड मोटर इज प्रोड्यूस बाई इंट्रैक्शन ऑफ रोटर एंड स्टेटर प्रोड्यूस्ड फ्लक्सेस। सो ये इसका प्रिंसिपल था हाइब्रिड स्टेपर मोटर का।